वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और अभी अभी छत पे आया हूँ, फ्रेश धूप ले रहा हूँ और अपनी सुबह का नशे कर रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी है। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत माफ़ी, 2 महीने से लगभग मैंने कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो अभी का प्लान वैसे ये है, संडे है तो अभी जाऊँगा मैं एक राइड करने, बस ये गिलास ख़त्म हो जाए मेरा, उसके बाद तब तक आपसे बातें करता हूँ। तो प्लान ये है कि जाने वाला हूँ अभी राइड पे साइकिल से, साइकिल वगैरह तैयार है मेरी। कहाँ जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता, बट मैंने हाँ 3 वेन्यू निकाल रखे हैं। थोड़ी लंबी राइड करने वाला हूँ आज, वैसे तो डेली मैं अपना ऐसे ही 10-12 चल रहा था मेरा डेली, शाम को करता था। तो आज सोचा जिम भी बंद रहती है, कार्डियो सुबह में हो जाएगा, वैसे वॉकिंग करके आ चुका हूँ और अभी लंबे कार्डियो पे जाता हूँ साइकिलिंग करने। मे भी हो सकता है, संडे है, काफ़ी सारे साइकिलिस्ट जॉगर्स और बाइक राइडर्स भी मिलते हैं, मे भी हो सकता है कोई मिल जाए, शायद ना भी मिले, तो बाकी चीज़ होगी वहाँ जाके पता चलेगी। फ़िलहाल जल्दी से मैं अपनी सुबह वाली ड्रिंक ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ। बाय द वे ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंक व्रिंक मत समझना। सो अभी यहाँ से ऑफ रोडिंग करता हुआ आया हूँ, अब इस रूट से होते हुए हम लोग उधर जाएंगे। वेन्यू मैंने अभी डिसाइड की है, रास्ते में बताता हूँ कहाँ की डिसाइड की है। और एक ट्रेजेडी हो गई, मैंने अपनी वॉच को चार्ज करना भूल गया 10% चार्ज पे। अब देखो क्या होता है, एक बैकअप लेके चलूँगा। बाय द वे साइकिल यहाँ पे अभी 2 मिनट के लिए खड़ी है, कंडीशन देख लो अभी, क्योंकि इसके लिए भी मैंने कुछ सामान मंगाया है जो कि अभी मैं राइड करते करते आपको बताऊंगा। अभी मैंने 3 किलोमीटर के राइड करके आ चुका हूं, अभी स्टॉप लिया है, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूं और कैमरा वगैरह इस पर सेट कर लूं, दैट्स वाई यहां पे रुका हूं अभी। इसके बाद चलते हैं अपना अब सेकेंड वेन्यू, देखो कितने किलोमीटर बाद कि मैं रुकता हूं, तो वहां पे उतर के फिर बात करते हैं, बाकी ऑन रोड तो अपनी बातचीत चालू रहेगी। सो लेट्स गो। थोड़ी देर पे यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं हार्डली 30 सेकेंड का लेंगे, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा पानी वगैरह पी, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से निकल के जितना अभी यहाँ आया हूँ कितना लगभग और मेरा परकला चौक होगा, वहाँ से देखते हैं कितनी दूर तक जा पाते हैं। वैसे मेरा मेन जो था मैंने 52 का ले रखा है, 72 सेक्टर 72, यहाँ से स्ट्रेट रोड भी पड़ता है, अराउंड 8 किलोमीटर तक घर से अगर राउंड ट्रिप लूँ तो 8-16 किलोमीटर मेरा बनता है, इसलिए ये रूट चूज़ किया क्योंकि दूसरा वाला भी बहुत ज़्यादा लंबा था और अभी काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट। बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा क्या लगभग आ ही गए, मेरे को यहाँ से तो पुल दिख रहा है मेट्रो का। सो वो रहा एक्वालाइन, उसी के नीचे है हमारा मेन वेन्यू जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे यार गंदा वाला स्कैम हो गया मेरे साथ, तो मैं घर से निकला यहाँ पहुँच गया, बाद में चेक कर रहा हूँ, शुक्र मैंने ऑर्डर कुछ नहीं किया था, बाद में चेक करो मेरा UPI काम नहीं कर रहा, वॉलेट में लाना, इतना गंदा पोपट मेरा आज तक नहीं हुआ भाई साहब जो आज मेरा हुआ है। मतलब
रेस्टोरेंट की दहलीज पे पहुंच के शुका था, मैंने चेक कर लिया, मैं ऑर्डर करके खा भी लिया। या तो इनको साइकिल देनी पड़ती या तो यहाँ बर्तन मांजने पड़ते। शुक्र था पहले बारी चेक कर ले, दोनों में से कुछ नहीं ना, मेरा वॉलेट घर पे रह गया, UPI मेरा चल नहीं रहा, अब क्या करना, पानी पीते हैं, यू टर्न मार के घर चलते। बैक टू पवेलियन एंड स्टिल आई एम स्वेटिंग अ लॉट। नहा लिया यार, फिर भी पसीने बहुत निकल रहे हैं। मार्च से चल रहे इतनी गर्मी, पता नहीं मई जून आ जाएगा तो क्या ही हाल होने वाला है। राइड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, एक ये था कि ग्रुप मेरे को मिला था साइकिलिस्ट का, वो भी कहाँ पे, जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया था, एक्वालाइन के नीचे से गए थे, करीबन अराउंड ऐसे थे 5-6 लोग थे, बट वो लोग इतनी स्पीड में थे जब तक मैं देखता वो तो निकल गए। बट हाँ, वैसे हाँ ये बात तो है, ग्रुप में चलाने में मज़ा बहुत आता है, सोलो में थोड़ा कम मज़ा आया था। कहीं कहीं पर तो मैं भी मतलब ऐसा हो रहा था कि बोर हो गया, म्यूज़िक चल रहे थे, बट होता है कि ग्रुप में चलाने में सोलो चलाने में थोड़ा सा अंतर आता है। सो एनीवेज, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट संडे को इससे थोड़ी सी लंबी राइड करूँ। मतलब इसमें तो मेरा ऐसे था 21:30 के करीब, और नेक्स्ट की मैं प्लान कर रहा हूँ कि अराउंड में 25-27 किलोमीटर कवर करूँ। राइड वही रहेगी, सोलो रहेगी मेरी, प्लस जो मैंने सामान मंगाया है, सामान आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो संडे से पहले आएगा, आ जाएगा, तो मैं उसकी इंस्टॉलेशन कर लूँगा और नेक्स्ट संडे को आपको मेरी साइकिल एक नए ही रूप में मिलेगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।